बोलो जिंदाबाद, समग्र मुकेश सहनी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मंचासी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुकेश सहनी जी और मंचस्थ तमाम आदरणीय नेतागण और इस सभा में उपस्थित मेरे पिता के समान, गुरु के समान, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधुओं, आप आज तक जो वोट किए थे, आज तक चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार गरीब पार्टी हो, सभी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, मीडिया के दोस्तों, बड़े संख्या में हमारे अभिभावक यहाँ नजर आ रहे हैं, बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, उनका जोर शुक्र से प्रणाम करते हैं। साथ में हमारे नौजवान युवा भाई, माताएं, बहने, आज देखे गाय घाट आने का मौका मिला और ये चुनावी जनसभा है और ये चुनावी जनसभा में गर्मी से ये चुनाव है देश को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का। जो पिछड़े अभी पिछड़े भाई भाई उनको जो आरक्षण बाबा साहब ने जो देने का काम किया है उसको बचाने का ये चुनाव है। आप लोग जानते हैं भाजपा की सरकार जो है ये पूरे तरीके से जो है मनुवादी लोग और नागपुरिया कानून को ये लोग हमारे बाबा साहब के संविधान के जरिए पे ये लोग लिखने का काम करना चाहते हैं। हमारे संविधान खतरे में है और आज हम लोग सब लोगों का फर्ज बनता है कि अपने संविधान का हम लोग रक्षा करने का काम करें। हम लोगों को कठिनाई कोई बात का नहीं, लेकिन दर्द है जिसको हम लोग सहने, वो दर्द है कि आपके नेता आदरणीय लालू जी आज हम लोगों के बीच शारीरिक तौर पे, यह पहला ऐसा चुनाव होगा जिस चुनाव में लालू जी आप लोगों के बीच, हम लोगों के बीच रहे। ये भाजपा के लोगों ने लालू जी को जबरन फंसा करके साजिश रच करके जेल भेजने का काम किया और आप लोग सब लोग जानते हैं कि भाजपा के लोग सबसे ज्यादा डरते हैं तो वो लालू यादव से डरते हैं। ये लोग जानते थे भाजपा वाले लोग कि अगर लालू भी बाहर रहेंगे किसी माइक के लाल में दम नहीं है जो हमारे आरक्षण और संविधान के साथ ना कोहड़ में कर हमको हमारे मेले नहीं दिया गया। हम रांची गए थे 15 दिन पहले, लेकिन हम गिड़गिड़ाते रह गए, गुहार लगाते रह गए, लेकिन हमको 10 मिनट ही मुलाकात नहीं करने दिया गया। एकदम पाबंदी लगा दी। जब हम देखिए जनता की अदालत में आए हैं, जनता की अदालत में ना तो तारीख पे होता, ना तो सुनवाई होता, सीधे फैसला होता, न्याय होता। न्याय और फैसला आप लोगों को करना है और जनता की अदालत से और कोई बड़ा अदालत नहीं होता। आपसे हम पूछते हैं कि बताइए एक बेटे को एक बीमार पिता से मेले देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? हाथ उठा के बोले मेले देना चाहिए था कि नहीं? लेकिन भाजपा के लोगों ने मिलने नहीं दिया और लालू जी का इलाज भी ढंग से नहीं होने दे रहे। डॉक्टर वहां का रिम्स प्रशासन का कहता है कि लालू जी को एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं ले जाने दे रहे, ले जाने दिया जा रहा। तो आप लोग समझिए कि किस प्रकार से लालू जी को मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे सताने का काम किया जा रहा है ये भाजपा के लोग और हमारे पलटू चर्चा है। यहाँ पट्टी मार गए, धोखा दिया, आरजेडी को नहीं, लालू जी को नहीं, हमको नहीं, बल्कि पूरे जनादेश का अपमान किया है उन्होंने और पूरे बिहार के 12 करोड़ जनता को उन्होंने धोखा देने का काम किया। आप लोग सब लोग जानते थे
कि हम लोगों ने महागठबंधन बनाया है, महागठबंधन बनाया ताकि सामुदायिक शक्तियां जो है वो आ नहीं सके बिहार की धरती पर, और जो सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनको हम लोग दूर रखना चाहते थे। इसलिए सारी कुर्बानी लालू जी ने लेकर के भी नीतीश जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और नीतीश जी क्या कहते थे पहले, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? लेकिन बताइए भाजपा में तो मिल रहा है, अब मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। बचपन में हम मूवी देखे थे एगो चाची 420, अभी देख रहे चाचा 420। आप तो सब लोग जानते हैं कि हमारे पलटू चाचा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे पलटू चाचा ने आप देखिएगा मोदी जी मुद्दे पर नहीं बात करते, मोदी जी किसान के बारे में नहीं बात करते, किसानों की आय दुगुना हो इसके बारे में चर्चा नहीं करते, नौजवान जो मेरा भाई बेरोजगार है उसको रोजगार दिलाने के बारे में नहीं बात करते। क्या बोला था मोदी जी ने कि हर साल 2 करोड़ रोजगार जो है वो नौजवानों को देने का काम करेंगे। कितने बेरोजगार है यहाँ हाथ उठाइए तो, कितने को मोदी जी ने रोजगार दिया? तो नौजवानों को ठगने का काम किया। मोदी जी बोलते थे कि किसानों का आय दुगुना करेंगे, आय दुगुना हुआ? किसानों का कर्ज माफी हुआ? नहीं हुआ। खाद बीज भी मिलना मुश्किल हो गया है किसानों को। और प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि किसान जब जाता है मिलने प्रधानमंत्री जी से तो प्रधानमंत्री के पास समय नहीं होता है, किसान रेंगते रेंगते जाता है तो प्रधानमंत्री जी लाठी चलवाते हैं किसानों पर। दिल्ली में जब गए थे किसान, यूपी के किसान, पूरा संगठन जो गया था, उसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री के पास किसान से मिलने का समय नहीं लेकिन प्रियंका चोपड़ा की शादी में जाने का समय है। तो ये लड़ाई आप देखिएगा, ये गरीब और अमीर की लड़ाई है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। इसमें आप लोग अगर अपने संविधान को बचाना चाहते हो, आरक्षण को बचाना चाहते हो, लालू जी को न्याय दिलाना चाहते हैं कि नहीं दिलाना चाहते हो, राजभूषण चौधरी जी को भारी से भारी वोट देकर के नाव छाप पर आप लोग बटन दबाइए और इनको विजय बनाने का काम कीजिए, तब जाकर के आपका संविधान बचेगा, आरक्षण बचेगा और लालू जी को जो है वो न्याय मिलेगा। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, अभी हर जगह सभा भी हम लोगों को है, करना है, जाना है। लेकिन मोदी जी मुजफ्फरपुर आए थे, आए थे, मुझे नहीं कि काहे ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, क्यों नहीं बिहार को विशेषता के दिया, क्यों नहीं बिहार में एक स्मार्ट सिटी बना। तो मोदी जी जो है इनकी पूरी जो राजनीति है ये बनावटी, मिलावटी और दिखावटी है। लोग नारा लगाते थे कि नहीं लगाते थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार, हम लोग उस समय बोलते थे ये हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं है, ये बड़बन मोदी और गड़बड़ मोदी है। एक बात समझ लीजिए, 4 चरण हो गया चुनाव और चारों चरण में हम लोग जो है एक तरफा महागठबंधन के लोग कहां जा रहे हैं, हमको तकलीफ है अपने चाचा को देखकर। तरस आता है, तरस इस बात पे आता है कि बेचारे चाचा का हाथपैयों में क्या हाल बना रखा है। आज का बॉडी लैंग्वेज अगर उनका देखिएगा एकदम उतरा उतरा सा, तो एकदम मुंह लटका हुआ हो भाई साहब। तो आप जानते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोग पूरी तरीके से आशीर्वाद और समर्थन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? मेरे साथ नारा लगाइएगा, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, दोस्त भगाओ, भगा करके आप बोलिएगा देश बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ। देखो पट्टू चाचा के लिए बोलिएगा, हम बोलेंगे पट्टू चाचा भगाओ, तो आप बोलिएगा बिहार बचाओ, बिहार बचाओ, पट्टू चाचा भगाओ, बिहार बचाओ,
सहमति हो तो राजभूषण जी को अब विजय का माला दे दें। बागमती न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।